बृह्णन्ते अस्मिन् हंसो भ्रम्यते ब्रह्मचक्रे पृथग् आत्मानं प्रेरितारं च मत्वा जुष्टस्ततस्तेनामृतत् त्वमेति। कल जो हम लोग पढ़ रहे थे, परसों जो हम लोग चर्चा कर रहे थे, अध्ययन अध्यापन में थे, उसमें मेरी अभी संतुष्टि नहीं हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग उसमें बोर हो रहे हो, आप नज़र नहीं आ रहे, उधर आ जाए गुरु जी के नीचे, मुझे लग रहा है आप लोग बोर हो रहे हो उसमें, क्योंकि उसका जो अर्थों का वो है वो सही रूप में वो सामने नहीं आ पा रहा है, सामने नहीं आएगा, समझेंगे नहीं, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि कोटि जन्म यदि करे श्रवण कीर्तन तभु ना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन, ये ना आ जाए। कल हमने एक बात पढ़ी थी गीता जी की, भगवान कहते हैं, क्या था वो श्लोक, तेषां सतत युक्तानां भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये नमाम युप्यंति ते। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम लोग कर रहे हैं और ये बहु जन्मों तक ये चलता रहेगा ऐसे। मुझे लगता है कि अब कोई चांस नहीं है बहु जन्मों का आगे का, क्योंकि जो गुरु मिले हैं वो गुरु कोई मेरे जैसे व्यक्ति नहीं थे या व्यक्ति नहीं हैं, वो भगवत पार्षद नित्य भगवान की सेवा में विराजमान रहने वाले, और कोई वैकुंठ इत्यादियों से भी, अन्य अन्य वैकुंठों से भी आए हुए कोई दिव्य पुरुष या दिव्य पार्षद नहीं थे, वो साक्षात भगवान राधा रानी की सेवा में विराजमान वो आए। मतलब इतनी कृपा होने के बाद में भी अगर हमें जन्म जन्मांतर फिर लेने पड़े, तो मेरे को नहीं लगता है कि ये युक्ति युक्त होगा, सही होगा ऐसा होना, ये सही नहीं होगा मेरे हिसाब से। लेकिन क्या हम तेषाम सतत युक्ता नाम वाले बने हैं हमेशा, क्या उनसे युक्त हैं? मैं तो नहीं हूँ, ईमानदारी से। तो फिर जब हम तेषाम सतत युक्ता नाम हमेशा उनसे युक्त भी नहीं हैं, भजताम प्रीतिपूर्वकम उनका प्रेम पूर्वक भजन भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है हमारे गौड़ीय वैष्णवों में कहते प्रेम से भजन करो, बस कुछ मत सोचो, कोई ज्ञान चर्चा नहीं, कोई अध्यात्म चर्चा नहीं, केवल हरि कथा श्रवण करो, प्रेम से भजन करो ये। और प्रीति कब होती है? बिना संबंध के कभी किसी से कोई प्रीति होती है? आपकी उम्र के बहुत से लड़के और बुजुर्ग यहाँ पे हैं अगल बगल में इधर उधर, अगल बगल इधर उधर जो है बहुत से हैं, क्या उनसे हमारी प्रीति है? नहीं है। रोज हम सुन रहे हैं कि आज इतने लोग इफेक्टेड हो गए हैं, आज इतने लोग जो है इसमें कोरोना वायरस की चपेट में आ गए। कहीं कोई भी दर्द होता है, दूर से भी अगर किसी से हमारा संबंध है, दूर से जिसे प्रेम नहीं है उसको भी अगर हो जाए तब भी लगता हो उसको हो गया, अच्छा ओह। जितना घनिष्ठता होगी उतना ही संबंध के साथ में हमारा प्रगाढ़ता होगी,
प्रगाढ़ जानते हैं ना, प्रगाढ़ किसको कहते हैं? गाढ़ा। जैसा गन्ना है, गन्ना मीठा होता है या कड़वा होता है? मीठा। गन्ने के किसी भी अंश में मीठा नहीं होता, ऐसी कोई चीज़ है जहाँ गन्ने का मिठास ना हो? गन्ने में सब में होता है, लेकिन जब उसको निचोड़ लेते हैं तब उस गन्ने के जो छिलके हैं उसमें थोड़ा सा मिठास होती है, जिसके लिए गाय वगैरह उसको बड़ी चाप से खाते हैं। लेकिन जो रस निकल आया उसको बोलते हैं उसका घनत्व, जहाँ उसकी प्रगाढ़ अवस्था, गन्ने का प्रगाढ़। अब उसको गाढ़ा किया जाए, उसमें से गंदगी निकाल दी जाए, उसको बोलते हैं। और गाढ़ा करने के बाद गुड़ बनाते हैं, गुड़ को साफ करके चीनी बनती है, चीनी को साफ करके मिश्री बनती है। तो ये प्रगाढ़ अवस्था जो है वो रस की जिस प्रकार से होती, रस जिस प्रकार से है, तो रस जैसे उसको थोड़ा सा जल और गर्मी मिलेगी वो पिघल जाएगा, जल भी ना मिले गर्मी मिलेगी तो भी पिघल जाएगा। मिश्री है रस, लेकिन वो प्रगाढ़ अवस्था में होने के नाते वो हमें रस दिखलाई नहीं देता। इसी प्रकार भगवान से जब तक प्रगाढ़ हमारा संबंध नहीं होगा, प्रीति दिखलाई नहीं देगी। प्रीति ठोस रूप से आनी चाहिए सामने। ठोस रूप से जानते हैं, मालूम है, प्रीति प्रेम जो है वो ठोस रूप से होना चाहिए भगवान के प्रति। विचलित नहीं होने वाला तो है ही है, वो तो अनन्यता पहले बोल देते हैं, वो है सतत युक्त जो होगा, हमेशा उन्हीं के संबंध से संबंधित होकर क्रिया करेगा, उन्हीं के लिए उठेगा, उन्हीं के लिए नहाएगा, उन्हीं के लिए भोजन बनाएगा, उन्हीं के लिए उनके बर्तन इत्यादि साफ करेगा, उन्हीं से सतत युक्त होकर के प्रीति पूर्वक संबंध जब होगा तब प्रीति होगी। हमारा भगवान से संबंध क्या है? हम दास हैं उनके। हाँ, ये दास वाला जो संबंध है ये वास्तविकता में गुड़ वाला संबंध है। दास वाला जो संबंध है ये कौन सा है? गाढ़ा तो हो गया है, घनत्व आ गया है, प्रगाढ़ता प्रेम में आ गई है, वो रस के रूप में नहीं रहा अभी। वो ऐसा नहीं है कि किसी में मिटा लो कैसा भी बन जाए, अभी वो वाली अवस्था उसकी निकल गई है। वो कब निकलती है? बिना साधु संग, साधु संग मतलब शास्त्र संग, साधु संग मतलब सद्गुरुओं की वाणी का संग, साधु संग। बिना संग के, मैंने संग की बात उस दिन भी की थी, संग का मतलब क्या होता है, संग का अर्थ बतलाया था ना, याद है? सम्यक अनुगमन, जैसा बोला वैसा चल रहा है जो, वो है संग। सम्यक अनुगमन को संग कहते हैं। तो जैसा बोला गया ऐसा जो चल रहा होगा उस साधु के अनुसार, उनकी वाणी के अनुसार, उनको ही, उनका ही संग होगा। और उनको जब उनका संग होगा तब वो व्यक्ति के अंदर भगवान के प्रति अपनत्व बोध होगा। अभी हमारा भगवान के प्रति कोई अपनत्व बोध नहीं है, अभी हम लोग गन्ने के रस की तरह ही हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर हो गया है कि अब जलने लग गए, पकने लग गए हैं, थोड़ा भी लसा लसा बनने लग गया, मतलब अब हमको कोई व्यक्ति अब मोल्ड चेंज नहीं कर सकता है कि भाई कोई, चल भी पानी है चलो उधर डाल दिया उसमें बन जाओ उसमें, ऐसा नहीं कर सकता। अब थोड़ा गाढ़ा आ गया। क्यों हुआ ये? सत्संग रूपी अग्नि में हम लोग नित्य निरंतर अपने जो फैले हुए भाव हैं, संसार में बिखरे हुए भाव हैं, संसार में प्रत्येक व्यक्ति के प्रति हमारा भाव जो है उसका गाढ़ापन होता जा रहा है। वो गुरुदेव का सत्संग, गुरुदेव के शब्द हैं जो अग्नि रूप से हमको जला जला करके, जला जला करके उसके जो बाहर का जल है, बिखरा हुआ है, उसको इकट्ठा कर रहा है,
लेकिन अभी भी हम सतत युक्त नहीं हैं भगवान से, हमेशा युक्त नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रीति नहीं है, प्रेम नहीं है। प्रेम नहीं है तो प्रेम कब होगा? कम से कम इस बात में प्रतिष्ठित होने के बाद कि मैं उनका दास हूँ, उनका नौकर हूँ। आज कई लोग ये राज्य में आते हैं, परिक्रमा करते हैं, बड़ी सेवा करते हैं, संतों के बीच में रहते हैं। मेरे जैसा व्यक्ति संतों के बीच में ही है, लेकिन क्या सतत युक्त हुआ? क्या भगवत प्रीति हुई? नहीं, मेरी तो नहीं हुई। लेकिन हाँ, गुरु कृपा से, वैष्णव संघ से वैष्णवों के प्रति प्रीति हुई। वैष्णवों के प्रति जो उनको समर्पित हैं, उनके प्रति प्रीति हो गई है। उनसे नहीं हुई अभी, उनके साथ सतत युक्त नहीं हुए हैं, लेकिन जो साथ में रहने वाले हैं उनसे सतत युक्त हो गए हैं। अब क्या ये साथ में रहने वाले हम एक दूसरे के प्रति जो प्रीति युक्त हो रहे हैं, जिनसे हम लेना देना, प्रीति होती भी कहाँ है? प्रीति कहाँ होती है? उसके 6 लक्षण हैं प्रीति जहाँ होती है, बताइए कौन से हैं? प्रीति के 6 लक्षण हैं। जहाँ प्रीति जहाँ होगी, जहाँ जिससे प्रीति करनी, वो 6 काम करने पड़ेंगे। रोज पढ़ते हैं आप, श्लोक बोलो, रोज करते, रोज बोल, ज्यादा है। प्रीति लक्षणम षड प्रति, षड विधम प्रति लक्षण, 6 प्रकार के लक्षण। कई बार क्या होता है, सारे श्लोक श्लोक याद होते हैं, लेकिन फ्यूज उड़ जाता है, उस समय याद नहीं आता। जहां हम देते हैं लेते हैं, ददाति प्रतिगृह्णाति, वापस उनसे जो मिला लिया। हम लोग जहाँ लेते हैं देते हैं, आप देखिए मठ में रह करके, आश्रम में रह करके, अगर आप किसी बाहर के व्यक्ति से लेना देना शुरू करेंगे, आपके मठ से ज़्यादा बाहर में प्रीति हो जाएगी। आप अगर आश्रम में रह करके बाहर के व्यक्ति के दुख को सुन रहे हैं, या सुख को सुन रहे हैं, या अपने दुख को सिर्फ बाहर के व्यक्तियों को बोल रहे हो और वो आपको सलाह दे रहे हैं, तो आपकी वहाँ प्रीति होगी, आश्रम में नहीं प्रीति होगी, आश्रमवासी से प्रीति नहीं होगी। ददाति प्रतिग्रहणाति गुह्यम आख्याति पृच्छति, अपनी बात को आख्याति बोलना, और पृच्छति उनसे सुनना, भुंगते पूछना, भुंगते भोजयते चैव, भुंगते खाना, भोजयते चैव भोजन देना उनको। षड विधम प्रतिलक्षणम, ये 6 प्रकार के प्रीति के लक्षण हैं। देखिए कितने दयालु हैं गुरु महाराज जी। मैं मठवासी नहीं बनना चाहता, मतलब मठ में नहीं रहना चाहता था। मैं एकांत का उड़ता हुआ पंछी बनना चाहता था। बड़ा मन में था कि मैं भगवान को 6 महीने में प्राप्त कर लूँगा, ज़्यादा नहीं, ध्रुव की तरह मैं भी कर लूँगा, अंदर था। लेकिन गुरुजी जानते हैं, बहुत बार मेरा भागना हुआ, 2-3 दिन से ज़्यादा मैं बाहर नहीं रह पाया। गुरु महाराज जी ने प्रत्येक बार खींचा कृपा करके। भगवान के साथ उस समय मेरी प्रीति हो भी सकती थी और नहीं भी, कोई गारंटी नहीं। हो सकता था कि मैं रिद्धि सिद्धियों के चक्कर में पड़ जाता। बचपन से आज तक कई बार मैं हवा में उड़ता हुआ सपने देखता हूँ, हवा में उड़ रहा हूँ, कहीं जाना है वहाँ पे। जब वो क्या था ना, सद्दाम हुसैन था, अमेरिका का युद्ध हो रहा था, तो मैं उस वक्त सपना देखा कि मैं उन दोनों देशों के बीच में ऐसे प्रकट हो गया, उनको समझा रहा हूँ कि युद्ध मत करो। इस प्रकार विचार करने वाली बात है, कहाँ मैं
अहंकार में डूब जाता, कहाँ माया में मैं फंस जाता, कहाँ गुरुदेव ने कृपा करी जबरदस्ती मुझे जाने नहीं दिया, संग में रखा। संग में रखने का आज प्रभाव ये हुआ, भगवान के साथ तो सतत प्रतियुक्त नहीं हो पाया मैं, लेकिन हाँ वैष्णव के प्रति मेरा, वैष्णव मतलब मठवासी मात्र, चाहे वो वैष्णव है नहीं है मैं उसको सोचता नहीं, वो एक अंदर से वो है कि नहीं साथ में है तो ये मेरे, मतलब मैं इनके लिए हूँ, मेरा जीवन इनके, ऐसा है अंदर से वो बन गया। तो ये जो एक काम हुआ है, ये एक कार्य जो हुआ है, ये भगवान से ही, भगवान के प्रति ही जुड़ाव का कार्य है। लेकिन इसके ऊपर एक बात है, सतत युक्तानाम उनके साथ, जहाँ उनके जो हैं उनके साथ, तेषाम सतत युक्तानाम का अगर अर्थ किया जाए तो साधारण अर्थ होता है उनको जो मेरे साथ सतत युक्त भजन करते हैं, प्रीतिपूर्वक भजन करते हैं। और मैं इसका अर्थ अगर करूं, तेषाम का मतलब उनको, उस उन के प्रति सतत युक्त जो है, भगवान कह रहे हैं तेषाम उनके प्रति सतत युक्त भजताम प्रीतिपूर्वकम, जो उनके साथ रह के उनका भजन करता है, प्रीतिपूर्वक उनकी सेवा करता है, तब आते ददामि बुद्धि योगम, तब मैं उसको बुद्धि योग देता। ये दो अर्थ हैं, एक अर्थ है जो सर्व गीताओं में सर्व शास्त्रों में लिखा है कि मैं कौन सा, दसवें का दशम है ना, ये दसवें अध्याय का दसवां श्लोक जो है इसमें है, नित्य भक्ति योग द्वारा जो प्रीति पूर्वक मेरा भजन करते हैं, तेषाम का अर्थ होता है वो उनको, ददामि बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयान्ति ते, अब इसका अर्थ जो है, जो हमारे गुरु वर्गों ने किया है, जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने किया और भक्तिविनोद ठाकुर जी ने किया, उसको मैं पढ़ना चाहूँगा। नित्य भक्ति योग द्वारा जो प्रीतिपूर्वक मेरा भजन करते हैं, मैं उनको शुद्ध ज्ञान जनित विमल प्रेम योग प्रदान करता हूँ। शुद्ध ज्ञान जनित विमल प्रेम योग, शुद्ध ज्ञान जनित विमल प्रेम योग प्रदान करता हूँ, जिससे वे मेरे परमानंद धाम को प्राप्त करते हैं। और मेरे उसमें आ रहा है, मेरे मानस पटल में आ रहा है, इससे पहले भगवान ने एक बात कही, अहम सर्वस्व प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मैं सबका प्रभु हूँ, मेरे द्वारा सब कुछ वर्तन हो रहा है, वर्तन मतलब सब कार्य मेरे द्वारा ही हो रहे हैं, इति मत्वा भजन्ते माम, ऐसा समझ करके जो मेरा भजन करता है। ध्यान दीजिएगा, अब थोड़ा सा गंभीरता से, पंडित के लिए ज़्यादा बुद्धि, जिसका ज़्यादा इधर उधर तर्क वितर्क में रहता, उसके लिए थोड़ा सा तर्क देने जा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दें। इति मत्वा भजन्ते माम बुधा, बुधा मतलब बुद्धिमान, माम मतलब मेरा, भाव समन्विता, भाव से संयुक्त होकर के बुद्धिमान व्यक्ति मेरा भजन करे। ये श्लोक आठवां है, आठवें में क्या बोल रहे हैं, मेरा, मैं सब कुछ करने वाला हूँ, मेरा। नौवें में क्या बोल रहे हैं,
मच्चित्ता मदगत प्राणा, मेरे में चित्त और मेरे गत जिसका प्राण है, बोधयन्ते परस्परम, उनका परस्पर बोध, बोधयन्ते मतलब जानकारी लेते हैं, देते हैं, सत्संग करते हैं। पहले बोल रहे थे मेरा, बाद में बोल रहे जो सत्संग में मेरे साथ संयुक्त होकर मतलब मेरे बारे में चर्चा करते हैं। कथयंतन कथयंतश्च हमेशा नित्यम माम नित्यम, मेरे बारे में ही जो कथा कीर्तन करते रहते हैं। तुष्यन्ति च रमन्ति च, और तुष्ट होते हैं, संतुष्ट होते हैं मेरे बारे में चर्चा करके, मेरे लिए जुक्त हो करके, ध्यान दीजिएगा। रमन्ति च, और उसमें रमण करते हैं, रमन्ति मतलब आनंद लेते हैं, ठीक है। कहते तेषां सतत युक्तानां, अब दसवां श्लोक, तेषां ये सत्संग वाली बात पे आ गए, साधु संग की बात हो गई। कहते तेषां सतत युक्तानां, उनके साथ जो सतत युक्त होकर के मेरा भजन करता है, ये मेरा अर्थ है जो प्रकट हो रहा है। मैं कहीं नहीं कर रहा हूं, बुद्धि का प्रयोग नहीं कर रहा हूं। जब भगवान कहते मत चित्ता मदगत प्राणा, मेरे में चित्त को समर्पित करते करके जो मेरे में प्राणों को समर्पित किया हुआ है, ऐसे लोगों के साथ बोधयन्ते परस्परम, जो परस्पर बोध करते, या ऐसे लोग जो परस्पर चर्चा करते हैं मेरे को समर्पित हो करके, और मेरे बारे में ही, मेरे नाम रूप गुण के बारे में कथयन्तश्च कथा बोलते हैं, माम नित्यम और मेरे मेरे लिए जो करते हैं, कहते तुष्यन्ति च रमन्ति च, उसी में वो तुष्ट होते हैं। तुष्ट का मतलब क्या होता है? तुष्ट मतलब क्या है, है? संतुष्ट रम, और तुष्यन्ति च रमन्ति च, रमन का मतलब तू भी आज उसकी तरह बोल रहा क्या है? रमंती का अर्थ क्या होगा? हाँ, रमंती मतलब उनके साथ में रहना, उनके साथ उठना, उनके साथ घूमना, उनके साथ, रमन का मतलब है सारी क्रियाएं उनके साथ करना जो बोधयन्ते परस्परम, मेरे बारे में बोलते हैं, मेरे बारे में रहते हैं, मेरे गत प्राण हैं अर्थात गुरुदेव। ऐसे महापुरुष लोग जो जो उनको समर्पित हैं, उनके संग में रमन करना अर्थात उनके संग में ही रहना, उनके संग में रह के तुष्ट होना। क्यों तुष्ट होना? कथा सुन रहे हो, अपनी कहानियां नहीं सुना रहे। जब इस प्रकार से आप सत्संग करते हो, साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि है, साधु संग करो, साधु संग सारे शास्त्र कह रहे हैं, लव मात्र साधु संग से सर्व सिद्धि हो जाएगी, थोड़ी सी साधु संग से सर्व सिद्धि हो जाएगी। मतलब साधु संग दो बार फिर क्यों कहा? आप एक बार ही बोल देते लव मात्र साधु संग से होनी है तो, थोड़े से साधु संग से होनी है तो दो बार साधु संग बोलने की क्या जरूरत थी? इसके लिए कि पहले साधु संग में उन्होंने कहा कि तुम हो सकता है कि आ करके कर रहे हो, दूसरे साधु संघ में कहा कि नहीं रह के करो, जीवन समर्पित करके करो। सर्व शास्त्र के सारे शास्त्र में कहते साधु संघ ही कर, साधु संघ ही कर, सब कुछ मिल जाएगा। सर्व सिद्धि क्या? तेषां सतत युक्ता नाम, वो हरि कथा श्रवण करते करते उनके साथ युक्त हो करके, तेषां सतत युक्ता नाम, ऐसे भक्तों के साथ में, तेषम का मतलब सीधा सीधा अर्थ, वो उनके सतत युक्ता नाम, उनके साथ सतत युक्त होके भजताम प्रतिपूर्वकम, मेरा प्रतिपूर्वक भजन करते हैं। यहां पे मेरा नहीं बोला, भजताम प्रति माम नहीं बोला, वहां पे दिव्य अर्थ है ये,
तेषां सतत युक्तानां भजताम प्रीतिपूर्वकम्। किन का भजन? मदगत प्राणा, जो मेरे गत प्राण है उनका प्रीतिपूर्वक भजन करता है। कहते मैं उसको बुद्धि योग देता हूं। क्या बुद्धि योग देता हूं भाई? उसको बुद्धि तो वहां से मिल रही। कहते उसको जो मिल रही है वो प्राकृत बुद्धि के अनुसार सोच रहा है। उस वो मेरे साथ में मेरा संपर्क, मेरा संग, मेरा प्रेम, वो जो कुछ भी देख रहा है प्राकृत बुद्धि से देख। पिता माता का संबंध, मेरे लाल, मेरे प्यारे, इसमें है। उसको मालूम नहीं कि इनसे अलग है वो जगत, बिल्कुल अलग है। उसके उस जगत के बारे का काख जानने के लिए इवन कि उस जगत का एक ही मात्रा को समझने के लिए भी हमारे पास बुद्धि नहीं है। हरे शब्द को भी समझने के लिए हमारे पास राधे राधे, हम तो राधे कह देते हैं, हमको रा आ धे का भी अर्थ समझने की हमारे पास बुद्धि, तो वो बुद्धि भगवान देते हैं। तेषां सतत युक्तानां, वो जो बुद्धि ददामि बुद्धि योगम, जब वो बुद्धि देते तम ये न मामोप्यन्ति ते, तब वो मुझे प्राप्त होता है, जब मेरे पास आता है। इससे पहले जो भजन कर रहे थे जी, आपके साथ में संयुक्त थे, आप गत प्राण थे, तब कहते वो तो मेरे गत प्राण जो थे उनके संग के कारण से मैं उसको दे रहा हूं, तब है साधु संघ का अर्थ। पहला साधु संघ जो तुमने किया कथयंत परस्परम आपस में वार्तालाप कर रहे हो, कहते ठीक है कर रहे हो, लेकिन अगर जब तक तुम्हारा प्रीति युक्त व्यवहार उनके साथ नहीं होगा, किनके साथ? जो मदगत प्राण है उनके साथ नहीं होगा, तब तक मैं तुम्हें संबंध रूपी बुद्धि प्रदान नहीं करने वाला। ये बात है, इसलिए ये कोई साधारण अर्थ नहीं है। ये गुरुदेव ही कृपा करके इस प्रकार से एक श्लोक को दूसरे श्लोक के साथ जो जुड़ाव है, आपस में संबंध है, वो प्रकट होता है। अब देखिए इसमें भी मेरा अपना नाम ले रहे हैं, मत चित्ता मदगत प्राण, इसमें भी अपना नाम ले रहे हैं। अब प्रश्न करता हूं मैं भगवान जी से, भाई आपके साथ जिसका चित्त ही समर्पण, आपके साथ चित्त हो, आपका आपके प्रति प्राण ही समर्पित हो गए, उसकी फिर बुद्धि देन उनको देने का तो कोई क्वेश्चन नहीं बनता। मदगत प्राण, जो मेरे गत उनका जिनका प्राण हो गया, मेरे में जिनका चित्त लग गया, उनको तो बुद्धि योग देने की बात नहीं, उनको तो क्या बुद्धि योग देना। हाँ उनको नहीं, उनका संग तेषाम सतत युक्ता नाम, उनके संग जो सतत युक्त है, हमेशा लगा हुआ है, वो बोधयंते आया चला गया, वो साधु संग हुआ, वो आया चला गया, साधु संग का पहला अर्थ है नौवां श्लोक दसवें अध्याय का, बोधयंते परस्परम। दूसरा अर्थ है साधु संघ का मत चित्ता तेषाम सतत युक्ता नाम, दूसरा है ये, हमेशा युक्त हो जाओ, बस जाओ। तो ये गुरुदेव ने कृपा की, मैं कहीं इस वक्त शायद है तो बोटी जाड़ी दाढ़ी दूड़ी लगा के, पता नहीं क्या भांग भूंग खा करके पड़ा हुआ होता कहीं तामसिक है, उसमें मेरे को गुरुजी ने इधर जोड़ दिया। जोड़ने के बाद अब मालूम पड़ा कि किस प्रकार से भगवान जो बुद्धि देते हैं, वो बुद्धि कौन सी है? वो बुद्धि तो अब भैया जो भजन करने वाले उनकी तो वो तो कह रही है ना, सीधी सीधी बात है। ज्ञानवान माम प्रपद्यते, ज्ञानवान जो होगा मेरी शरण में आएगा। तो भाई ज्ञानवान मतलब उसके पास ऑलरेडी बुद्धि है, ज्ञानवान जो है। कहते वो जो बुद्धि है ना, वो बुद्धि बाहर की है, वो बुद्धि होने पर भी मेरी वाली बुद्धि नहीं मिली। अब मेरी बुद्धि का अर्थ क्या लोगे जी? मैं इसमें एक दिन एक भाव प्रकट हुआ था। कहते मेरी बुद्धि का मतलब मैं अपने हिसाब से जो बनाया है उसको वो समझ पाएगा। ददामि बुद्धि योगम, मैं अपना बुद्धि योग देता हूं। ददामि मतलब देता हूं, आमी ददामि देने वाला हूं मैं,
बुद्धि योग, मैं बुद्धि योग अगर दे रहा हूं तो मैं अपनी बुद्धि का योग दूंगा, बाहर की बुद्धि का योग दूंगा, माया की बुद्धि का योग दूंगा, अपनी बुद्धि योग। अपनी बुद्धि योग देने का मतलब अगर मैं हरे बोल रहा हूं तो उस हरे का अर्थ क्या है ये मैं बताऊंगा। हम तो हरे कृष्ण कर रहे हैं, लेकिन गुरु जी हरे कृष्ण कर पा रहे थे? अरे हाथ ही गुरु जी के कांपने लग जा रहे थे, हरे कृष्णा, वो है। तब यहां का संसार का सारा ज्ञान खत्म हो जाता है। क्या आप अक्षर है, अक्षर नहीं समझ में आते, क्योंकि वो उधर का दिव्य अक्षर प्रकट रहते हैं, वो दिव्य भाव प्रकट रहता है। तब वो बुद्धि योग जो है सतत युक्त होना पड़ेगा। इस बात को मैं सोचता हूं कि इसके ऊपर फिर कभी भगवत कृपा होगी तो श्रीमद् भगवत गीता के इन 3 श्लोकों का, 10वें अध्याय का 8वां, 9वां और 10वां, इसके ऊपर फिर कभी हम लोग दोबारा चर्चा करेंगे। आज उपनिषद का ऐसे ही रह जाएंगे, नहीं तो अगला श्लोक भी उसके साथ जुड़ता हुआ है 10वें के साथ में। तेषाम एवाम अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः नाश्याम्य आत्म भावस्थो। इस शब्द के ऊपर पूर्ण जोर देने वाला है। आत्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता, वो ज्ञान दीप। अब ये ज्ञान, ज्ञान मतलब ये वो बुद्धि योग वाला ज्ञान है जो भगवान ने ज्ञान दिया, वो वाला ज्ञान है। भगवान ने बुद्धि दी, बुद्धि देने से खाली नहीं चलता, वो सतत युक्त नहीं रहेगा, वो बुद्धि भी गायब हो जाएगी। ऐसे भी होता है क्या, भगवान के द्वारा दी हुई बुद्धि भी गायब होती है कभी? हाँ जी बिल्कुल होती है। नारद मुनि को ले लीजिए, वेदव्यास जी को ले लीजिए, जितने महर्षि हुए उनको सबको ले लीजिए, उनकी भी बुद्धि जब उन्होंने सतत युक्त उधर भगवान की तरफ, जब भगवान के जनों के संग में नहीं रहे। अब ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, एक श्लोक है मैं भूल रहा हूं कि हे प्रभु, अगर शिव और ब्रह्मा मतलब मैं भी अगर सत्संग से वंचित हूं तो हमारा भी पतन हो जाएगा। ये बात उन्होंने कही, श्लोक याद है? याद है श्लोक? चश्मा लगा लो, पता लगे किसको देख रहा हूं मैं। चलो उसके बाद कहते हैं, इस प्रकार भक्ति योग का अनुष्ठान करने वालों के पास अज्ञान कभी ठहर नहीं सकता। जब बुद्धि उन्होंने दी तब अज्ञान नहीं रह सकता, लेकिन अंडरलाइन करने वाली बात है, इस प्रकार भक्ति योग का अनुष्ठान। किस प्रकार भक्ति योग का अनुष्ठान? सतत युक्ता नाम, सतत युक्त जहां पे हटा वहां पे गड़बड़ हो सकती है। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी कहते हैं, तेल धारावत, तेल की धार में जैसे बबल्स नहीं होते, ऐसे घिरती है करके बिल्कुल एकदम ऊपर से नीचे तक बिल्कुल मिक्स होती जाती है। कहते ऐसा सत्संग, ऐसा सतत युक्त होना। चलिए कभी कृपा होगी तो इस तरफ भी देखेंगे। अभी तो मैं थोड़ा सा बहिर्मुख को अंतर्मुख होने का प्रयास कर रहा, बहिर्मुख जो लोगों को आकर्षित करने वाला ज्ञान है, तथा कथित ज्ञानियों के ज्ञान का जो ज्ञान है, उस ज्ञान में से जो कृष्ण ने दोहन करके निकाला है उसके भी अंदर प्रयास कर रहा हूं। आइए, सर्वा जीवे सर्वसंस्थे बृहन्नते अस्मिन् हंसो भ्रम्यते ब्रह्मचक्रे पृथगात्मानं प्रेरितारं चमत्वा
जुष्टस्य ततः स्तेनामृत तत्वमेति श्वेताश्वरूप उपनिषद के अंदर है। कहते हैं इस सबके जीविका रूप सबके आश्रयभूत विस्तृत ब्रह्मचक्र में हंस घुमाया जाता है। मैं ना आज पढ़ रहा था इसे, मेरे पास में श्रील सिद्धांति महाराज जी वाला वो है नहीं उपनिषद, तो मेरे को पढ़ते हुए बड़ा ही भ्रम हुआ कि इसमें कुछ भी क्लियर नहीं है, जो अर्थ में पूरी तरह कुछ भी क्लियर नहीं। तो उसका थोड़ा सा कोशिश कर रहा था, परंतु संस्कृत का तो ज्ञान नहीं है, संस्कृत तो पढ़े नहीं, और बिना संस्कृत के ज्ञान से तो पंडितों के हिसाब से तो अज्ञानता ही प्रदर्शित होती है। परंतु भगवत बुद्धि का योग अगर हो जाए तो संस्कृत का ज्ञान एक तरफ धरा का धरा रह जाता है, अर्थ जो प्रकाशित होते हैं वो दिव्य होते हैं, वो बड़े बड़े पंडित भी नहीं कर पाते। तो यहाँ पर ये पहले वाला जो हम श्लोक कल को जो नदी के बारे में चर्चा कर रहे थे, यहाँ जो अर्थ किया है बिल्कुल ही अलग अर्थ किया है। यहाँ 35 5 बोले हैं, मतलब 5 5 5 5 सात बार बोला है, और उसके आखिर में उन्होंने 50 बोला है, और बोला मतलब 50 50 बोला है कि ये सारे 50 हैं। जब वो 7 5 आए तो 35 हुए, 15 कहाँ गए, और उन 7 5 को इसी प्रकार से खाली बोल दिया गया है कि हाँ अभी किसी तरीके से निपटा दिया गया। लेकिन अगर उसका गहन चिंतन किया जाए तब मालूम पड़ता है कि भगवान का ये जो काल चक्र बनाया, भगवान ने जो नदी बनाई है, इसमें जो पहले 50 बोले गए थे वही 50 इसमें भी सेम है, केवल वो चक्र के रूप में दर्शन किया और ये नदी के रूप में दर्शन किया। तो ये 50 भावों का भंवर है, 50 भावों का भंवर है जिसमें हम फंसे हुए हैं। कैसे फंसे हैं वो यहाँ बोल रहे हैं। सर्वा जीवे सर्व संस्थे सारे जीव बिहंते, सारे जीव इस बृहद ब्रह्मचक्र में फंसे हुए हैं। यहां सर्वा जीवे बोला, उसके बाद हंस भी बोला है। हंस हंस शब्द जो है जीवात्मा के लिए आता है, हंस अस्मिन हंसो ऐसा हंस भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे, ऐसा हंस जो है ब्रह्मचक्र में घूमता रहता है। अब ब्रह्मचक्र इसको क्यों कहा, भव चक्र होना चाहिए, संसार चक्र था, ब्रह्मचक्र कहां से हो गया, इसका जवाब है आप में से किसी के पास में? अभी तक तो संसार चक्र बोल रहे थे, हैं? ब्रह्मचक्र क्यों हो गया? हाँ जी शास्त्री जी, आपको इधर, हाँ ब्रह्मचक्र क्यों हो गया, अचानक से संसार चक्र और संसार नदी को ब्रह्मचक्र क्यों बोल दिया? दौड़ लगाओ कुछ भी बोलो। हाँ जी, ब्रह्मा जी की सृष्टि में घूम रहे, एक अर्थ तो ये है, लेकिन ब्रह्मचक्र मतलब ब्रह्म उसके ही अंदर सब सारे चक्र हैं, ये उससे बाहर कुछ भी नहीं है, इसलिए उसके अंदर का चक्र है ये ब्रह्मचक्र, इसीलिए इसको ब्रह्मचक्र कहा। जीव जो है इसी चक्र में घुमाया जाता है, यहां घुमाया बोला है, और भ्राम्यते शब्द का अर्थ घुमाया बोला जा इन्होंने किया है, और भ्राम्यते का अर्थ होता है भ्रमण करता रहता है, घूमता रहता है। स आत्मना च प्रेरिताम पृथग मत्वा ततः तेन युष्ठ अमृतत्वम इति
इसका अर्थ क्या किया देखते हैं उसे। जिसका वर्णन पहले किया जा चुका है, जो कि सबके जीवन निर्वाह का हेतु है और जो सब समस्त प्राणियों का आश्रय है, ऐसे इस जगत रूप ब्रह्म चक्र में अर्थात परब्रह्म परमात्मा द्वारा संचालित और परमात्मा के विराट शरीर रूप संसार चक्र में यह जीवात्मा अपने कर्मानुसार उन परमात्मा द्वारा घुमाया जाता है, मैं इस बात को नहीं मानता। जब तक यह इसके संचालन को जानकर इसका कृपा पात्र नहीं बन जाता, अपने को उनका प्रिय नहीं बना लेता, तब तक इसका संसार चक्र से छुटकारा नहीं हो सकता। देवी हैषाम गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रवदन्ते मायामेतं तरन्ति। ब्राह्मणे सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि मायाया प्रकृते क्रियमानानि गुणे कर्माणि सर्वशा अहंकार विमूढात्मा कर्ता हमिति मन्यते। ब्राह्मणे सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि मायाया, जो प्रकृति जो के गुण हैं वो जीवात्मा को यंत्र के तरह घुमाते रहते, इधर से उधर घुमाते रहते। क्यों घुमाते रहते हैं? प्रकृति का यही गंदा काम है क्या, सब जीवों को ऐसे दुखी करते रहना? ये तो प्रकृति का काम नहीं हो सकता। हाँ, ये प्रकृति का काम है, भगवान कह रहे हैं, लेकिन किसकी प्रकृति? भगवान की। देवी हैषण गुणमयी मम माया दुरत्तया, मेरी माया है, मेरी प्रकृति है, भगवान कह रहे हैं। कहते हैं हाँ है भगवान की, लेकिन हमने उसे अपने अधीन करने का प्रयास किया। रजोगुण सतोगुण तमोगुण भगवान से हैं, रजोगुण सतोगुण तमोगुण भगवान से हैं, और हमने रजोगुण सतोगुण तमोगुण को अपने अनुसार या उसके अधीन होके उनके अनुसार चलना शुरू कर दिया। ये त्रैगुण्य हैं, तीन गुण हैं, विषयावेदा निस्त्रय गुण भगवान कह रहे हैं, इन तीनों गुणों से अलग हो। हम उन तीनों गुणों को अपने अंदर ले करके सत्संग करने का प्रयास करते हैं, इसलिए सत्संग नहीं होता। हम उन तीनों गुणों को अंदर रख करके, मतलब निर्गुण अवस्था में नहीं आते, ऐसी अवस्था में नहीं पहुंचते कि जहां पे हम शून्य हैं और हम सत्संग में बैठे। हम जो भी सुनते हैं साथ साथ हमारी रजोगुणी और सतोगुणी बुद्धि, सत्संग में रजोगुणी और सतोगुणी बुद्धि, तमोगुणी नहीं, वो अपनी बुद्धि, वो बुद्धि जो है रजोगुणी सतोगुणी सतोगुणी जो वृत्ति है वो बुद्धि को चलाती है। जो शब्द बोले जाते हैं उन शब्दों का अर्थ पहले ही चिंतन में आता है, और जब सामने वाला बोल रहा होता है उसको नकारते रहती है तमोगुणी बुद्धि, उसको स्वीकार नहीं कर पाती। रजोगुण इसलिए कि अभिमान रहता है कि नहीं इसका अर्थ तो ये होना चाहिए, ऐसा ऐसा बोल रहे हैं तो गलत बोल रहे हैं। सतोगुणी बुद्धि जो है वो स्वीकार करती है, इसलिए उसे सत्संगमयी बुद्धि कहते हैं। तो ये जब तक हमको वो नहीं मिलती तब तक हमारे समझ में ये नहीं आ सकता कि परमात्मा कर रहे हैं ये सब। परमात्मा क्यों घुमाएगा जीव को बेचारे को, उसको क्या सुख मिलेगा? कोई सुख नहीं है। जीव स्वतंत्र है, स्वयं घूम रहा है, स्वयं की इच्छा से जा रहा है, उसने स्वयं स्वभाव को स्वीकार किया है, स्वयं उसने गुणों को स्वीकार किया है, और गुणों को स्वयं स्वीकार करने के नाते अपने आप किया ना उसने, अपने आप करने के नाते उसको अपने आप कष्ट मिल रहा है। भगवान क्यों दे रहे हैं भाई कष्ट? उनका काम तो है नहीं ये सब देना। एक स्वभाव बन गया कि इधर से तुम निकलोगे तो इधर ही जाना पड़ेगा, रास्ता है वो, उसका कोई तो ऐसा वो नहीं है, रास्ता है वो, इधर ही जाना पड़ेगा। नहीं मैं इधर से निकलूंगा तुम मेरे को खींच लो, ऐसा कैसे भाई? मेरे को लेने के लिए तो तुम उधर सतत जुड़ा रहे, इसमें घूमेगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। उधर सतत जुड़ा रहा, उधर पकड़े रखो उस रस्सी को, सत्संग वाली को छोड़ मत, जुड़ा रहे उधर। तो ये चीज है। तो यहां बोल रहे हैं कि परमात्मा उसको घुमाते हैं, और भगवान गीता में कहते हैं
ब्राह्मणे ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि मायाया, मेरी प्रकृति घुमाती है। प्रकृति का मतलब वह प्रकृति तुम्हारे अधीन है। रजोगुण सतोगुण किसके अधीन है? भगवान के। भगवान के अधीन वो छोड़ दीजिए, भगवान के अधीन जो है वो बृहद माया है, हमारे अधीन है रजोगुण सतोगुण तमोगुण। हम इन तीनों गुणों को छोड़ सकते हैं, तभी भगवान ने कहा नेत्रय गुण भव अर्जुना, तभी उनको भव कहा अर्जुन का, अर्जुन तू निकल छोड़ इसको। अगर नहीं छोड़ सकते क्यों बोलते? नहीं छोड़ सकते इन गुणों को तो क्यों बोलते? इस प्रकृति का स्वभाव नहीं छोड़ सकते तो क्यों बोलते? बोले इसलिए कि छोड़ सकते हो। अर्थात जब हम लोग विशेष करके, मैंने देखा था जब शुरू शुरू में जब मैं मठ में आया तो मेरी अक्सर ऐसी बुद्धि होती थी, कलेक्शन करने के लिए जाना होता था तो तरह तरह के लोग मिलते थे, तो जब कथा होती थी तो मैं कुछ एक नोट्स बनाता था, वो पढ़ता नहीं था, ये मेरी अज्ञानता थी। मैं सरलता से सब बातें आप लोगों को बिल्कुल स्पष्ट और सत्य बतला रहा हूँ। तो लिखता था तो जो पॉइंट कोई ऐसा आता था, ओह ये तो बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट बोला, मतलब फलाने ने क्वेश्चन किया था ना उसको जवाब दूंगा, स्टार्टिंग में ये सब चलता था। स्टार्टिंग में मैं जुड़ा नहीं था सत्संग से, जुड़ाव नहीं हुआ था, कुछ साल तक चलता रहा ऐसे। एक दिन अचानक से झटका हुआ, गुरुजी ने बोला हम किसके लिए बोल रहा है, हम आपके लिए नहीं बोल रहा, हम अपना गुरुजी का वाणी अपना मंगल के लिए चिंतन करता है। मैंने कहा लो जी गुरुजी जो बोल रहे अपने मंगल के लिए और मैं सुन रहा हूं दूसरे के मंगल के लिए, ये क्या है? तो ये है रजोगुणी बुद्धि थी, जो रजोगुणी बुद्धि मुझे दूसरे के मंगल के लिए सुनने के साथ साथ उसका अर्थ लगा करके दूसरे को समझाने का, सुनने के साथ साथ उसका अर्थ लगा करके तीसरे को समझाने का, जो ये चल रहा था अंदर, ये रजोगुणी और तमोगुणी बुद्धि का कार्य था। लेकिन जिस दिन गुरुजी ने कृपा की, बोला तो बहुत बार था लेकिन जिस दिन अंदर घुसी तो उस दिन जो है ये समझ में आया कि ये मेरे लिए है। तो सतत युक्ता नाम तभी होगा जब अपने लिए होगा। वंशा कल्पदृष्ट कृपा सिंधुपतिता नाम पावन वैष्णव।